स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान शराब पीने से मौत के बाद परिजनों से मिलने बिहार शरीफ पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका ढांढस बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। सीएम का सोच है कि जो पिएगा वह मरेगा, तो इस तरह की सोच तो हमारे मुख्यमंत्री रखते हैं। आज उनके गृह जिला में यह घटना घटी है, तो क्या यहां भी आकर मुख्यमंत्री यही बात बोलेंगे कि जो पिएगा वही मरेगा? कोई पी इसलिए रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप ही के गृह जिला में इसका निर्माण हो रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि वह राज्यपाल से मांग करेंगे कि केंद्र सरकार को सिफारिश भेजे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भैया, अब तो आपके गृह जिले की ये बात हो गई है, अगर उसके बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है। हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को लिखित रूप में हम लोग ये मांग करेंगे कि अब समय आ गया कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए। हम लोग मांग करेंगे महामहिम राज्यपाल जी से कि आप केंद्र सरकार को सिफारिश करें कि अब बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और अब ये उचित समय है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाई, कितनी और मौतों का कोई इंतजार करेगा?